नमस्कार, हर्बल पॉइंट बेगूसराय की ओर से फिर मैं आपके सामने हाजिर हूं। आज एक ऐसे मसाले को लेकर जो आपके घरों में बड़े सम्मान के साथ रखा जाता है, और वह है, आप देखिए ये क्या है, लौंग। लौंग देख रहे हैं, ये लौंग। और इस लौंग के कुछ ऐसे वृक्ष होते हैं जिसके ये फूल होते हैं, और फूल को सुखा के ये लौंग की तरह का प्रयोग किया जाता है। बहुत मार्केट में उपलब्ध है, विभिन्न मसालों में, गरम मसालों में, अन्य चीजों में इसको डालते रहते हैं। और इसके लिए देखिए होता क्या है कि यह लौंग जो है वो बाजार में है, आप ऐसे लौंग मिल रहे हैं जिसका तेल निकाल लिया जाता है, और तेल जब निकालते हैं तो लौंग में झुर्रियां आ जाती है, इसमें काफी झुर्रियां आ जाती है। तो आप उससे को देखिए कि इसमें झुड़ियां ना हो, देख सुन के लीजिए, तभी आपको लाभ करेगा। देखिए इसके जो केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स है जिसके कारण हमारे विभिन्न रोगों से ये हमें लाभ दिलाता है, वह है फाइबर। इसमें फाइबर बहुत होता है, 30% कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, बीटा फैलोनेट्स है, ये नियासिन है, थायमिन है, और विटामिन ए, विटामिन B1, B2, B4, B6, B9, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन के। तत्वों की अगर बात करें एलिमेंट्स की, तो सोडियम, पोटासियम, कैल्शियम, कॉपर, लोहा, मैग्नीज, मैग्नेशियम, फास्फोरस, सेलेनियम, जस्ता, ये सब चीज होता है जिसके कारण हमारे विभिन्न रोगों से लाभ दिलाता है। तो सबसे पहला लाभ तो हमें एक सुखी दाम्पत्य जीवन प्रदान करता है। ये सुबह में दो लौंग का प्रयोग हमें पति पत्नी को जीवन भर आराम से रखने का मौका देता है, क्योंकि इससे मुख दुर्गंध और तनाव, कांति बढ़ती है चेहरे का, यौन समस्याएं दूर होती है, पौरुष में वृद्धि होती है, नपुंसकता का नाश होता है, और अगर लगातार प्रयोग करती है महिलाएं तो गर्भ निरोध की समस्या भी हल हो जाती है। इसमें देखिए होता क्या है, पुरुषों के लिंग दोष, पुरुषों में ज्यादा हस्तमैथुन या अन्य दोष के कारण उनका क्या होता है, कभी टेढ़ा हो जाता है, पतला हो जाता है, या उसके सही ढंग से उसके उत्थान नहीं हो पाते हैं। तो आप लौंग 20 ग्राम लेके उसको 50 ml तिल का तेल या जैतून का तेल उसमें आप लेकर के आप उसका डाल दीजिए, और उस तेल से मालिश कीजिए उसको, आगे जो लिंग मुंड है उसको हटा के। तो इससे क्या होगा कि उसके आकार में वृद्धि होगी, आपके स्तवन शक्ति बढ़ेगी, उसमें जो टेढ़ापन आ गया है धीरे धीरे वो अभी ठीक होगा। देखिए दांतों के लिए और मुंह के लिए तो ये काफी जबरदस्त चीज है। दांत में अगर पायरिया हो, दर्द होता हो, दुर्गंध आ रहा हो, तो यूजिनिया नामक जो इसके अंदर तत्व होता है वो काम करता है और दांतों को मजबूत भी बनाता है। अगर सूजन हो मसूड़े में तो आप क्या कीजिए कि इसके चूर्ण को काली मिर्च के साथ लेके आप चेपन भी कर सकते हैं और उसका वो मंजन भी कर सकते हैं। गला में अगर कोई खराश हो तो ये यूजेनिया जो है वो केनाडीन जो एक फंगल होता है उसको दूर करता, उससे लड़ता है। आप इसे गरारे कीजिए गर्म पानी में डाल के, और आप गार्गलिंग भी कीजिए, और इसको आप ब्लैक टी के साथ भी प्रयोग कीजिए। एक और बहुत बड़ी बात जो होती है, मधुमेह डायबिटीज आजकल एक बहुत जबरदस्त बीमारी हो गई है, आम लोग इससे परेशान हैं, तो आपको लौंग इसमें मदद करेगा, क्योंकि लौंग में जिंक, कॉपर, मैग्नीशियम, पोटासियम, एंटीऑक्सीडेंट वगैरह होता है। तो आप गर्म पानी लीजिए, उसमें 5-7 लौंग डाल दीजिए, 10-20 मिनट छोड़ दीजिए, अब उसके बाद उसको पी जाइए। रोज की प्रक्रिया में आप इसको रखिए, और अगर सुबह खाली पेट कीजिए तो ज्यादा बढ़िया है। देखिएगा कुछ दिनों में आपके मधुमेह से आपको राहत मिलेगी। पाचन तंत्र के लिए देखिए लौंग की चाय आप लीजिए, भून कर लीजिए या चबाइए, इससे आपका गैस, कब्ज, अम्ल, पित्त, अपच या और दूसरी समस्याएं वो आपकी समाप्त होगी। रक्त संचार के लिए आप लीजिए, ये तो एक बहुत बड़ा रक्त शोधक भी है, रक्त का प्रवाह भी सही करता है, प्लेटलेट्स को भी शुद्ध करता है, इसका प्रयोग आप कीजिए। ये बहुत बड़ा रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने वाला है,
इसलिए लौंग का नियमित प्रयोग आपके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। कैंसर के लिए भी, चूंकि ये एंटी कैंसर है, ये क्या करता है कि ये ट्यूमर जो बढ़ने से रोकता है और कैंसर सेल्स का नाश करता है, इसलिए कैंसर के मरीज को भी आप लोग बड़े इत्मीनान से दे सकते हैं। देखिए, आपका अस्थमा यानी दमा या श्वास रोग हो जाए तो इसके चूर्ण को शहद के साथ लीजिए, इससे गले की समस्या भी दूर होगी। और इसके तेल का मालिश कीजिए गले और छाती पर। मितली आ रही हो तो मितली में तो सब लोग इसका प्रयोग करते ही है, वो तो आम है। जोड़ों का दर्द हो तो इसके तेल का मालिश कीजिए। कान में दर्द हो तो लौंग का तेल को शीशम आप समझ रहे हैं, उसमें 2-3 बूंद शीशम का वो फल का उसके बीज का तेल लेके कान में टपकाइए, कान का दर्द ठीक होगा। कील मुहासे अगर हो तो आप देखिए, इसको या तो आप तेल में डाल के इसको लगाइए, इसका तेल मैंने लौंग का तेल को लगाइए, या लौंग को घिसिए वो मिट्टी के बर्तन पर और घिस के उसको अपने कील मुहासे पर लगाइए, वो आपका कील मुहासे खत्म होंगे। देखिए, आपके पेट में कीड़े हो गए तो उसको शहद के साथ लीजिए। बाल रूखा हो गया हो तो जैतून के तेल में आप इसको मिला के आप सिर के वो बाल के जड़ों का मालिश कीजिए। रतौंजी हो गया, अगर रात में दिखता नहीं है, बकरी के दूध में इसको मिलाइए और अंजन के तरह आंख में कीजिए, अंजन के तरह। ज्वर हो जाए, किसी भी तरह का बुखार हो तो इसके चूर्ण का फक्की लीजिए, फांक के पानी पी लीजिए। कब्ज में आप जानते हैं, इसका लौंग लीजिए 8-9 गो, काली मिर्च ले लीजिए 10 गो, और अजमाइन भी 10 ग्राम ले लीजिए। और इसमें आप नमक, सेंधा नमक 10 ग्राम और मिश्री 50 ग्राम लेके आप चूर्ण बना लीजिए, और उस चूर्ण के नींबू के रस में आप डुबा के छोड़ दीजिए और उसके बाद उसका प्रयोग कीजिए। देखिए, कब्ज आपका दूर हो जाए। हिचकी आ रहा हो तो आप उसको चूसिए, हिचकी इस तरह का आता है ना, तो हिचकी में आप चूसिए। और प्यास भी लग रहा हो तो इसका प्रयोग कर सकते हैं। माइग्रेन, आधा शीशी का दर्द, तो आप क्या कीजिए कि इसके कनपट्टी पर इसके तेल का मालिश कीजिए। इसका तेल ले लीजिए, उसमें तमाकू के पत्ता को भी मिला दीजिए, उसका भी रस मिला दीजिए, और इसके कनपट्टी पर जिधर दर्द हो उधर के कनपट्टी पर आप मालिश कीजिए तो आपका माइग्रेन ठीक होगा। चक्कर आ रहा, महिलाओं को आता है, खास करके बस और वो गाड़ियों पर जब चढ़ती हैं तो उसमें लौंग उपयोग करता, तो लौंग उसमें चूसिए। या फिर चक्कर घर पर आ रहा हो तो लौंग को पानी में उबाल के आप उसका पीजिए। टॉन्सिल बढ़ गया हो तो टॉन्सिल में क्या कीजिए कि 2 गो लौंग पान में डाल दीजिए, मुलेठी डाल दीजिए और उसको चबाइए। पिपरमिंट अगर 2-4 डाल दीजिए तो और भी अच्छी बात है। मधुमेह के लिए तो लाभकारी है ही, हृदय के लिए भी कम लाभकारी नहीं है। आप इसमें क्या कीजिए कि आप लौंग को ले लीजिए और मिश्री, ये जलन भी नाश करता है, उसमें मिश्री के साथ मिलाइए, और आप देखिएगा कि बहुत ज्यादा ये हार्ट के लिए काफी टॉनिक का काम करेगा। जाड़े में आप लौंग लीजिए, तुलसी लीजिए, बादाम लीजिए, काली मिर्च भी लीजिए और उसको चूर्ण बना के आप शहद के साथ प्रयोग कीजिए। लौंग 2 गो ले लीजिए, तुलसी 7 गो, बादाम 4 गो ले लीजिए, काली मिर्च भी 5 गो ले लीजिए, सबको पीस दीजिए और उसको शहद के साथ लीजिएगा तो हृदय रोगों में ही लाभ होगा, लगातार लेना पड़ेगा। इतने सारे लाभ हमारे इस लौंग का है। ये लौंग जिसको हम बड़े चाव से स्वाद के लिए खाते हैं, गर्म मसाले में डालते हैं, दूसरे मसालों में डालते हैं, उसके तेल का प्रयोग करते हैं, तो ये बड़ा लाभकारी है और आपके लिए बहुत ही उपयोगी भी होगा। इसका उपयोग कीजिए और अच्छा लगे, आपको लाभ करे तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय भी लिखिए, कुछ छूट रहा है तो वह भी लिखिए। इसको आप लाइक शेयर सब्सक्राइब तो करें ही, और आपको दिक्कत हो तो आप हमारे इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करें 9430416408। नमस्कार, इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।